हेलो गाइज एंड वेलकम टू अफिशनाडोज डेन वेयर वी स्टे इन क्लास। एंड गाइज आज जो विस्की मैं आप लोगों के लेके आया हूँ वो एक इंडियन विस्की है, रॉयल चैलेंज। सो गाइज ऐसा कहा जाता है कि ये विस्की जो है वॉज मेड एंड सोल्ड इन द ईयर 1980s बाय शॉ वॉलेस एंड इन द ईयर अराउंड 2000 इट वॉज रीलॉन्च बाय देम। बट जो शॉ वॉलेस है एज एन ऑर्गेनाइजेशन वॉज एक्वायर्ड बाई यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड विच इज़ अ पार्ट ऑफ डियाजियो इन अराउंड 2005 एंड इन 2008 दिस ब्रांड ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ऑफ डियाजियो। सो दैट्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस विस्की। अगर मैं इस विस्की के कॉन्टेंट्स की बात करूँ तो येस इट हैज़ मोलासेस इन इट, इट हैज़ स्कॉच मॉल्स एंड इंडियन मॉल्स इन इट and it has got grain spirits in it. So basically ये एक blended whiskey है with molasses in it, of course, as all Indian whiskies. It has added colors into it, but the good part about this whiskey is it does not has any artificial flavors that has been added into it. तो चलिए that's about the whiskey and this is a 750 ml bottle that I got from Gurgaon. तो चलिए खोलते हैं एंड देखते हैं व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर। तो अगर मैं इस विस्की की बात करूं तो इट्स गॉट अ वेरी गुड पैकेजिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब इंडियन विस्कीज़ में बहुत अच्छी पैकेजिंग है इस विस्की की, आई वुड नॉट डिनाई दैट। चलिए लेट्स गो अहेड एंड ओपन इट, लेट्स अनबॉक्स इट। अ वेरी नाइस आइकॉनिक बॉटल, बेल शेप बॉटल है थोड़ी सी, बट अ वेरी गुड ब्यूटिफुल बॉटल, दैट इज समथिंग दैट आई कैन सी। तो चलिए लेट्स गो अहेड एंड ओपन इट, पोर इट एंड लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज टू ऑफर। चलिए चलिए लेट्स पोर इट। दैट्स रॉयल चैलेंज फॉर यू। चलिए देखते हैं कि व्हाट डज दिस विस्की हैज़ टू ऑफर ऑन द नोज एंड ऑन द पैलेट। चलिए अगर मैं कलर की बात करूँ तो एक गोल्डन कलर है, डार्क गोल्डन कलर है, वुड से नॉट एम्बर बट येस ऑन द डार्क साइड ऑफ गोल्डन। चलिए मुझे एक अल्कोहल का बर्न इसमें आ रहा है हल्का हल्का, और वो हल्की सी मॉल्टीनेस भी आ रही है, बट देर इज अ बिट ऑफ फ्रूटीनेस एंड देर इज अ बिट ऑफ ओकीनेस इन इट। वो अल्कोहल का बर्न है। मुझे डर लग रहा है पीने में बिकॉज ऑफ द अल्कोहल बर्न दैट आई कैन फील ऑन द नोज। चलिए लेट्स गो अहेड एंड टेस्ट इट। Surprisingly, of course it has got upfront a sweet palate, but surprisingly इसमें उतना alcohol का burn है नहीं जितना nose पे आ रहा था। Maybe due to the reason क्योंकि अभी अभी bottle खोली है मैंने, इस वजह से आ रहा था, but it actually doesn't has that kind of a bite to it जो बाकी Indian whiskies में normally होता है इस range में। तो चलिए let's go ahead and get on to the second taste. Upfront fruitiness, a bit of maltiness, yes. What I can get is a bit of oakiness as well from it, vanillin, that is something that I'm getting from it. It has been matured in American oak barrels, so yes, that's probably the reason why I'm getting oakiness from it. I would not say a very bad taste because kadwapan bhi nahi hai is whiskey mein. And the best part is it doesn't has that alcohol bite in it. So I think
एज इट इज तो ठीक है, विस्की इतनी कोई खराब नहीं है आई वुड से। चलिए लेट्स गो अहेड एंड ऐड अ बिट ऑफ वाटर एंड सी व्हाट दिस विस्की हैज टू ऑफर। चलिए चलिए लेट्स गेट डाउन टू द नोजिंग। सरप्राइजिंगली वो मॉल्टीनेस खत्म हो गई है, वो अल्कोहल का बाइट खत्म हो गया, फ्रूटीनेस अप फ्रंट आ रही है, ओकीनेस वनीलिन वो सब अप फ्रंट आ रहा है मुझे ऑन द नोज। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट। इट हैज रिटेन्ड द फ्रूटीनेस, इट हैज रिटेन्ड दैट ओकीनेस। चलिए लेट्स गेट ऑन टू अ सेकेंड टेस्ट। स्वीट पैलेट अभी भी है इसका, फ्लेवर्स थोड़े मेलो डाउन हो गए हैं, बट येस द फ्रूटीनेस इज स्टिल इंटैक्ट, द ओकीनेस द वनीलिन इट्स स्टिल इंटैक्ट। तो आई वुड से अ गुड विस्की टू बी ड्रंक इन कॉकटेल्स, ऐसे ही पियेंगे तो इट वुड टेस्ट अ बिट हार्श, बट वैसे ओवरऑल इट्स कंपैरेटिवली अ वेरी स्मूथ विस्की एज कम्पेयर टू द अदर विस्कीज इन दिस सेगमेंट एंड एज कम्पेयर टू द अदर विस्कीज फ्रॉम द इंडियन मार्केट। मेरे हिसाब से अ गुड विस्की टू बी ड्रंक इन कॉकटेल्स एंड यू कैन वेरी वेल वाटर इट डाउन एंड ड्रिंक इट विद सोडा विद वाटर, इट्स अ गुड विस्की। तो अगर इस विस्की के मैं एफिशिएंसी रिपोर्ट कार्ड की बात करूँ तो ऑन द प्राइस पॉइंट आई वुड गिव इट अ 8 एंड ऑन द टेस्ट आई वुड गिव इट अ 8.5। सो इस विस्की का एफिशिएंसी नंबर होता है 8.25। मेरे ओपिनियन में अ गुड विस्की टू बी ड्रंक, ऑफकोर्स डिपेंड्स अपॉन दिस सेगमेंट एज वेल, क्योंकि हम लो सेगमेंट की बात कर रहे हैं, मीडियम सेगमेंट की बात कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा हाई सेगमेंट या फिर हाई शेल्फ वाली विस्कीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, टॉप शेल्फ विस्कीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से आई थिंक इट्स अ गुड विस्की इन दिस प्राइस पॉइंट। सो गो हेड ट्राई इट एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो कि आपको ये विस्की अच्छी लगी या नहीं लगी, एंड डू ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। Okay, and as we say in aficionados den, stay classy and cheers.